हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आज हम जानने वाले हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में। ये हमारा बॉटनी का 7th पार्ट है, तो चलिए आज इसको समझते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर प्लांट्स में कैसे होती है या उसके बारे में हम जानेंगे कि क्यों होती है, कब होती है और क्यों ज़रूरी है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज अ वाइटल प्रोसेस। जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है वो प्लांट्स एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोसेस है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी प्रोसेस है। ठीक है, लोअर प्लांट्स में कैसे होती है, ऑस्मोसिस के थ्रू, और हायर प्लांट्स में होती है ये रूट हेयर के थ्रू। और जो सॉइल है उसमें 5 टाइप्स के जो वाटर है वो फ्लो हो रहा होता है। ठीक है, एक होता है रनवे, दूसरा होता है ग्रेविटेशनल, थर्ड हाइग्रोस्कोपिक, फोर्थ केमिकली कंबाइंड वाटर, और फिफ्थ होता है हमारा कैपिलरी। और जो प्लांट्स है ना वो मेनली कैपिलरी वाटर को प्रेफर करते हैं और ज़्यादा वो कैपिलरी वाटर से ही अपना जो प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं। दोस्तों बात करते हैं हम इसकी डेफिनेशन की। अपटेक ऑफ द कैपिलरी वाटर बाय द रूट हेयर ऑफ द प्लांट फ्रॉम द सॉइल टू द रूट जाइलम बाय मेनी वेज लाइक रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन एंड ऑस्मोसिस। अपटेक ऑफ द कैपिलरी वाटर बाय द रूट हेयर। जो रूट हेयर होता है वो क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है, जो वाटर होता है उसके सराउंडिंग में, और वाटर कौन सा होता है हमारा, कैपिलरी वाटर। ठीक है, फ्रॉम द सॉइल टू द रूट जाइलम, और ये वाटर कहाँ को जाता है, फिर रूट जाइलम को, बाय मेनी वेज। इसके बहुत सारे तरीके हैं जैसे कि रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन एंड ऑस्मोसिस। और जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है वो होता है हमारा 2 टाइप्स, एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है हमारा पैसिव। चलिए अभी मैंने डिटेल में पढ़ते हैं। दोस्तों बात करते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की। इसमें क्या होता है कि इट रिक्वायर्स मेटाबॉलिक एनर्जी, इसे मेटाबॉलिक एनर्जी की जरूरत पड़ती है और किसको, टू परफॉर्म द मेटाबॉलिक एक्टिविटी लाइक रेस्पिरेशन, इट रिक्वायर्ड बाय द रूट सेल्स। ठीक है, तो जो रूट सेल्स होते हैं ना उन्हें मेटाबॉलिक एनर्जी की, मतलब एनर्जी की जरूरत पड़ती है किसके लिए, टू परफॉर्म द मेटाबॉलिक एक्टिविटी लाइक रेस्पिरेशन। जैसे कोई रेस्पिरेशन अगर होनी है तो उसके लिए क्या चाहिए, मेटाबॉलिक एनर्जी चाहिए। और जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है ये 2 वे से होती है। सबसे पहला है कि ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इसमें क्या होता है, ये करती है हमारी ऑस्मोसिस के थ्रू, वेयर द वाटर मूव्स इनटू द जाइलम अक्रॉस द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द रूट सेल। इसमें क्या होता है कि जो वाटर होता है वो मूव्स इनटू द जाइलम, जो जाइलम में जाता है वाटर, अक्रॉस द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द रूट सेल्स। जो रूट सेल है उसके अक्रॉस द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब उसके पार कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के। दोस्तों अभी हम बात करते हैं कि ये किसकी वजह से होती है, ड्यू टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सराउंडिंग सॉइल एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल सैप। जो सराउंडिंग सॉइल होती है उसमें लो कॉन्सेंट्रेशन होती है सॉल्यूट की, और जो सेल सैप है उसमें क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट होता है, जिसकी वजह से ऑस्मोसिस अक्कर करती है। दोस्तों हम बात करते हैं नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन अकर वेयर, ये वहां करती है जहां सेल वाटर एंटर्स द सेल, जहां वाटर एंटर करता है सेल फ्रॉम सॉइल, सॉइल से अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और जो पिछली पड़ी थी हमें जिसमें सिर्फ जो ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थी उसमें अक्रॉस होता है और इसमें अंगेस्ट है द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, और दिस रिक्वायर्स द एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी थ्रू द रेस्पिरेशन प्रोसेस। जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है उसके थ्रू ये मेटाबॉलिक एनर्जी चाहिए होती है इसको अब परफॉर्म करने के लिए एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है। ठीक है, जैसे जैसे रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीजेज देयर फोर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन आल्सो इंक्रीजेज। जैसे जैसे रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ता जाएगा रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन भी बढ़ता जाएगा। दोस्तों बात करते हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की। इसमें क्या होता है कि हमें मेटाबॉलिक एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, अकर थ्रू मेटाबॉलिक एक्टिविटी लाइक ट्रांसपिरेशन, और ये किसके थ्रू होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जैसे कि हमारी ट्रांसपिरेशन है। और हायर इज द ट्रांसपिरेशन रेट हायर इज द एब्जॉर्प्शन रेट। जैसे जैसे ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ता जाएगा एब्जॉर्प्शन रेट भी बढ़ता रहे, और जो हमारी एक्टिविटी वो किस में होती थी, रेस्पिरेशन में। ओनली रूट हेयर टेक्स पार्ट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जो रूट हेयर होता है वही सिर्फ ओनली दिस पार्ट, जो रूट हेयर का रूट हेयर ही है बस वही टेक्स पार्ट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में। दोस्तों अब समझते हैं कि जो रूट्स होती है उनमें जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है वो कैसे होता है, पैसिव
एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा कि जैसे जो ये डायग्राम है अगर आप देख पा रहे होंगे अच्छे से, तो सबसे पहला ये हमारा ऊपर वाला जोन कौन सा होता है, हमारा मैचुरेशन जोन। उसके बाद ये जो है स्पाइक्स ये कौन से हमारे रूट्स, और जो ये जोन कौन सा हो गया रूट हेयर जोन। और इसके बाद आता हमारा एलोंगेशन जोन, फिर मेरिस्टमेटिक, और ये जो नीचे क्या है ये है हमारी रूट कैप। जो रूट हेयर जोन होता है बस इधर ही एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, ठीक है। और रूट हेयर अराइज फ्रॉम एपिडर्मल लेयर, जिसको हम क्या कहते हैं पिलीफॉर्म लेयर। और जो रूट हेयर का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या, वो कौन सा होता है हमारा परमिएबल रीजन होता है उसमें, ठीक है। और उसकी जो आउटर लेयर होती है वो कौन सी होती है, हमारी पेक्टिन से बनी हुई होती है। जो इनर होती है वो किन से बनी होती है, सेलुलोज से, ठीक है। और अंडर द सेल वॉल देयर इज साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड ए इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। जो सेल वॉल होती है उसके अंदर क्या होता है, एक साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है प्रेजेंट, और वो कौन सी कैसी होती है सिलेक्टिवली परमिएबल, मतलब वो सिलेक्टेड चीजों को ही बस अपने अंदर आने देती है और वो पास होने देती है। और इनसाइड द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन देयर आर रूट सेल्स, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है रूट सेल्स होते हैं हमारे, न्यूक्लियस होता है एंड ए वैक्यूल होता है और सेल सैप प्रेजेंट होता है। मैकेनिज्म की, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, स्टार्ट कहाँ से होता है हमारा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट हेयर, और ये किसकी वजह से होता है ऑस्मोसिस की वजह से। इसके बाद क्या होता है हमारा, इसको आप सेकंड स्टेप बोल सकते हैं, सॉइल हैज मोर कंसंट्रेशन देन सेल सैप। ये तो हमें पता ही है कि जो सॉइल है उसमें क्या होता है मोर कंसंट्रेशन होती है सॉलिड की किससे, सेल सैप से। देयरफॉर वाटर एंटर टू सेल इट मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन बाय ऑस्मोसिस। जो वाटर क्या करता है वो एंटर कर जाता है किसमें, सेल में, और किसकी वजह से होता है ऑस्मोसिस, और कैसे, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसके बाद क्या होता है कि आफ्टर एंटरिंग रूट हेयर वाटर क्रॉस द पिलीफॉर्म लेयर। पिलीफॉर्म लेयर को हम क्या और क्या बोलते हैं, हमें एपिडर्मल लेयर, सही पकड़ा आपने। और फिर टू रूट कॉर्टेक्स, उसके बाद क्या जाता है ये वाटर रूट कॉर्टेक्स में, देन टू एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस क्या होती है इसकी डिफ्यूजन हो जाती है किसमें, रूट सेल में। और फिर हमारा पेरिसाइकिल में जाता है ये वाटर, और फिर उसके बाद मेटा, और पेरिसाइकिल में आपको पता ही है कि क्या होता है हमारे मेटाजाइलम और पेरिसाइलम, और जो होता है वाटर गेट स्टोर्ड इन जाइलम, उसके बाद वो पूरे जहां भी वाटर की जरूरत पड़ती है प्लांट को वो यूज कर लेता है। दोस्तों बात करते हैं हम इसके पाथवे की, और जो हमने पीछे पढ़ा वो उसको इजीली समझते हैं। जैसे पहले जाता है उस सॉइल से वाटर रूट हेयर में, उसके बाद एपिडर्मिस, उसके बाद कॉर्टेक्स, उसके बाद एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल, और उसके बाद रूट जाइलम। इसको क्या कहते हैं हम, हमारा पाथवे ऑफ वाटर। दोस्तों बात करते हैं हम जो फैक्टर्स इफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है एक्सट्रिंसिक और दूसरा होता है हमारा इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक हुआ हमारा एक्सटर्नल, और इंट्रिंसिक हुआ मतलब इंटरनल। एक्सटर्नल एनवायरमेंट में आते हैं हमारे जो सॉइल वाटर, कि सॉइल वाटर में क्या क्या डिफरेंस है। फाइव टाइप्स ऑफ वाटर ऑफ विच कैपिलरी वाटर इज यूजफुल। जो फाइव टाइप्स का वाटर क्या करता है, फ्लो करता है सॉइल में, जिसमें से कौन सा हमारा कैपिलरी वाटर ही यूजफुल होता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉइल सोल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉइल सोल्यूशन शुड बी लेस, ठीक है। जो सॉइल सॉल्यूशन उसकी कॉन्सेंट्रेशन लेस होनी चाहिए, अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन होगी तो एब्जॉर्प्शन में डिफिकल्टी आती है। और सॉइल स्पेस सॉइल में क्या होता है कि स्पेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स फॉर प्रॉपर एयर सप्लाई। सॉइल टेम्परेचर कौन सा होना चाहिए हमारा, 25-35 डिग्री सेल्सियस। और इंट्रिंसिक में आते हैं हमारे रेस्पिरेशन एंड नंबर ऑफ रूट हेयर्स। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर कोई मिस्टेक लगी हो तो हमें कमेंट में आप बता सकते हैं, और अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप कोई स्पेशल वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमें वो भी बता सकते हैं। थैंक यू।